लोगों का घर पावर ऑफ अटॉर्नी पर है या अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और वो पावर ऑफ अटॉर्नी पर है तो ये खबर जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में बदलते रूल्स के हिसाब से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो ये खबर क्या है, इस बात की जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है या कोई घर खरीदा है तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही में सबसे पहले आपको करना क्या है कि उस प्रॉपर्टी का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल है उसे अपने नाम पर करवा लेना है। इसके बाद, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी की रजिस्ट्री नहीं होती है जिस वजह से आगे चलकर आप मुश्किल में भी पड़ सकते हैं और कोई भी थर्ड पार्टी आकर ये चीज कह सकती है कि प्रॉपर्टी जो है वो उनकी है, इसीलिए आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल जो है इसे अपने नाम पर करवा लेना है। और दूसरी बात, किसी भी लोकल न्यूज़पेपर में आपको एक नोटिस निकलवाना है जिस नोटिस में आपने ये लिखवाना है कि आपने वो प्रॉपर्टी खरीद ली है, किससे खरीदी है, कब खरीदी है, इस बात की पूरी जानकारी जो है वो आपको उस नोटिस में दिलवानी है। इसके बाद आप किसी भी न्यूज़पेपर में जाएंगे इस चीज़ के लिए नोटिस निकलवाने तो वो भी आपको पूरा प्रॉपर गाइड कर देंगे कि नोटिस में आपको क्या चीज़ें मेंशन करवानी है और क्या चीज़ें मेंशन नहीं करवानी है। इसके अलावा हो सके तो उस प्रॉपर्टी पर कुछ लोन ले लीजिए, यानी कि अगर आपने घर खरीदा है तो उस घर पर कुछ लोन ले लीजिए क्योंकि जब तक वो लोन चलता रहेगा तब तक कोई भी थर्ड पार्टी आकर इस पर हक नहीं जमा सकती है या अपनी प्रॉपर्टी कहकर इस पर कब्जा नहीं कर सकती है। तो जितने भी लोग पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खरीदी है या आप लोगों का घर जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी पर है तो ये खबर आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके क्या हक हैं इससे आप कहीं ना कहीं जो है वो वंचित ना रह जाएं, इसलिए ये बात जो है वो आपको बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोग, जितने भी पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रॉपर्टी जिनके पास है, उन लोगों तक ये ज़रूरी जानकारी पहुंच सके और आने वाले समय में वो किसी मुश्किल में जो है वो ना पड़े। आप एक बात का ध्यान इसमें रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल उस प्रॉपर्टी का और जो वाटर बिल है, कनेक्शन है, यानी कि वो आपके नाम पर होना चाहिए, यानी कि जिसके जो भी हेड ऑफ़ द फैमिली है जिसके नाम पर भी प्रॉपर्टी है उसके नाम पर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल होना ज़रूरी है क्योंकि आगे चलकर यही बिल्स जो हैं वो आपको मदद करेंगे क्योंकि इन बिल्स के अकॉर्डिंग आप लोग ये शो कर सकते हैं कि आपने कितनी देर से है जो ये बिल है, पहले किसके नाम था, अब आपके नाम है, कितनी देर से आपके नाम पर है, क्या इसका टाइम पीरियड है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें रहेंगी। अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में और अगर कोई क्वेश्चन आपका इसके रिलेटेड है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब देने की। बने रहे आप अर्ली टाइम्स के साथ। जय हिंद।